बोधगया में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने डिग्री महाविद्यालय का शिलान्यास ऑनलाइन किया। करीबन 39.94 करोड़ खर्च होगी। वहीं मौके पर विधायक संजीव सरदार भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास तेजी से हो रही है, झारखंड में शिक्षा को काफी अच्छा बनाएंगे। वहीं आज बोधगया में डिग्री महाविद्यालय का शिलान्यास हमने किया। यहां के बच्चे को अब दूर जाना नहीं पड़ेगा, यही पड़ेगा। हम लोगों के विकास काम से भाजपा परेशान है। भाजपा ने केवल लोगों को ठगने का काम किया है। भाजपा एक बहरूपिया है और बहरूपिया से आप सभी लोगों को बचना है। भाजपा ने खनिज संपदा को केवल लुटा है आदि कई बातें कही। शिक्षा बहाली करने जा रहा है और अपना प्राइमरी स्तर से अपना मातृभाषा से पढ़ना शुरू करेगा। इसलिए तो झारखंड लिया गया है। किसके लिए झारखंड? एक परिवार के लिए झारखंड, या के आदिवासी के लिए, या के मूलवासी के लिए। इसलिए झारखंड हम लोग आरक्षण किया है। इतना खनिज संपदा लाते हुए भी यहाँ आज बेरोजगार है। अच्छा नहीं पार्टी का अच्छा तकनीकी शिक्षा नहीं मिला। इसलिए ये सब हम लोग ताकि ये 35-37 पंचायत का प्रखंड है, इसमें चाटा जाने में बड़ा दूरी है। इसलिए इसी घर से आके ये डिग्री प्राप्त करेंगे। ये कोर्ट का में आके अपना पढ़ाई होगा, उसको टाटा जाने के नहीं जरूरत होगा। और ये सरकार इस तरह से व्यवस्था की है। स्मार्ट मॉडल स्कूल जो निजी स्कूल के जैसे साल में पढ़ाई होती है, उसी तरह हर क्षेत्र में 325 और 80 पाले हम लोग शुरू किया है। यह हम लोग मॉडल स्कूल पढ़ेंगे जहाँ इंग्लिश मीडियम से होगा, ताकि यहाँ का विद्यार्थी कभी महसूस नहीं करेगा और बिना फी देके बढ़िया शिक्षा प्राइमरी स्तर से गांव का इस छोटे मोटे गांव के जंगल का नीचे का गांव का विद्यार्थी घर में बैठ के अच्छा स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के लिए पहला निर्णय लिया। जब तक हम लोग यहाँ का विद्यार्थी को सही परिवार में शिक्षा कर दिया नहीं जाएगा, तब तक घर का विकास कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए शिक्षा को हम लोग बढ़ावा दिया है। छात्रवृत्ति को हम लोग 3 गुना बढ़ा दिया है। और जो यहाँ का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, जो पैसा के अभाव से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, पैसा का कमी है, मैट्रिक पास करने के बाद माँ पिता जी कहते हैं बेटा इतना ही काम करो, इतना ही पढ़ो, कहीं काम कर लो। इसलिए ये सरकार संगम लिया, सभी विद्यार्थी को पैसा के अभाव से पढ़ने छूटने छूटेगा नहीं। हर विद्यार्थी को हम लोग जितना जरूरत होगा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम मदद करेंगे।